देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा मछली बन के तैयार हो गया। देख सकते हैं कितना मस्त लग रहा है। तो बता दो कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा है ना। देखिए तो ये लोग भी बता रहा है अच्छा लग रहा है। कैला बता दो दर्शक लोग को, बता दो अच्छा लग रहा है ना मछली और भात गरम गरम। हेलो फ्रेंड, फिर से एक नए ब्लॉग में स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, हम लोग तो ठीक हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी सुबह का 10 बज रहा है। तो आज हम ब्लॉग लेट से शुरू किए हैं क्योंकि सुबह में मतलब कुछ काम कर रहे थे तो हमको टाइम नहीं मिला, हम बिजी थे। तो फ्रेंड्स चलिए आज हम आप लोग को एक रेसिपी देने वाले हैं। हम आप लोग को आज का रेसिपी दिखाते हैं। तो हेलो फ्रेंड, देखिए यहाँ पर ये है, लेके आए हैं। तो चलिए हम निकालते हैं क्या है। आप लोग वीडियो में बने रहिए कंटिन्यू। तो फ्रेंड्स चलिए हम इसको निकालते हैं। देख सकते हैं ये है, देखिए ये है मछली। आज हम बनाने वाले हैं मछली फिश फ्राई की रेसिपी। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं इतना बड़ा बड़ा मछली, 1 किलो मछली लेकर के आए हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं मछली फ्राई। तो फ्रेंड्स चलिए इसको वॉश कर लेते हैं पानी से। फ्रेंड्स ये है, 1 लीटर पानी ले लिए हैं। तो मछली को अभी अच्छा से साफ पानी से धो लेते हैं। देख तरह से पानी चुंगार के हम प्लेट में रखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मछली को हम अच्छा से धो लिए हैं। देख सकते हैं साफ पानी से एकदम फ्रेश। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लहसुन और सरसों को हम पीस लिए हैं। तो इसमें हम मिक्स करेंगे, इसमें हम देंगे सरसों और लहसुन, और यहाँ पर हम देंगे हल्दी। पर हम देंगे हल्दी और हम देंगे नमक। सब इसको हम ऐसे मिलाएंगे। ये सब अच्छा से हम मिला दिए हैं, देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अभी इसको हम मछली फ्राई करेंगे मस्त। यहाँ पर ये है, हम मिक्स कर लिए हैं। और इधर मेरा सस्पेन गरम हो रहा है और ये है तेल। तो फ्रेंड्स चलिए हम ये सस्पेन को गरम होने देते हैं, उसके बाद में हम मछली फ्राई करेंगे। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम सस्पेन में डालते हैं तेल और इसको चारों तरफ इस तरह से हम फैला देंगे। हो गया, देख सकते हैं ये धुआं देने लगा है तेल भी। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम पीसेस करके इसमें हम डालते जाएंगे। देखिए इस तरह से, जितना आटे का इतना हम इसमें डाल देते हैं। और इधर आनंद खाने के लिए एकदम पूरा एक्साइटेड है कि ना आनंद? देखिए हम जितना आटे का उतना हम डाल दिए हैं। तो फ्रेंड्स चलिए इसको चढ़ा देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम हल्का ताव में मछली को फ्राई कर रहे हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, बना रही है मछली, बना दी है मछली। तुम दोस्त है ना? तुम तो बाला है। अब हम बाला है। तो देखिए फ्रेंड्स ये है हमारा मछली। तो इसको दूसरा साइड भी हम पलट लेते हैं। देखिए इस तरह से दूसरा साइड भी इसको हम पलटेंगे, दोनों साइड से उलट पलट करके हम फ्राई करेंगे। तो चलिए दूसरा साइड, ये है मेरा मछली फ्राई हो गया। देख सकते हैं ये कितना मस्त फ्राई हो गया है। तो चलिए इस सबको हम निकाल देंगे प्लेट में। और देखिए इधर मैं आनंद खाने के लिए प्लेट लिया है, तो पहले हम आनंद को देते हैं। लो
तो चलिए फ्रेंड्स हम इसको प्लेट में निकाल देते हैं। देखिए कितना मस्त भुजा है, देखो तो कितना पानी है। हाँ ठीक है, सब सही हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स देख सकते हैं इतना सारा और ये फ्राई करने का बाकी है। तो चलिए फ्रेंड्स हम सारा हम फ्राई कर लेते हैं। देखिए कितना मस्त फ्राई हुआ है, देख सकते हैं ये है। देखिए यहाँ पर मेरा सारा मछली फ्राई हो गया है, मछली फ्राई। तो चलिए अभी थोड़ा सा हम शुरू बनाते हैं, क्योंकि हम लोग अभी भात में खाएंगे इसीलिए शुरू बनाएंगे। तो शुरू बनाने के लिए यहाँ पर हम मसाला देख सकते हैं पीस के रखे हैं, लहसुन और सारा मसाला, और इसमें है गरम मसाला। तो इधर मेरा कढ़ाई हो गया गरम और ये है फोरन के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स हम शुरू बना लेते हैं, तो आप लोग बने रहिए। देखिए ये हमारा मछली फ्राई आनंद खा भी लिया। ये है मसाला, तो इधर मेरा फोरन तैयार हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स हम डाल देते हैं। मसाला को हम इतना पकाएंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं होगा, तब तक हम मसाला को पकाएंगे। तो फ्रेंड्स चलिए मसाला को पकाते हैं, और इधर में है मेरा गरम मसाला। तो हम मसाला को लाल होने देते हैं। देखिए यहाँ पर मेरा मसाला हम भून लिए, देख सकते हैं मसाला का तेल भी छोड़ने लगा है। तो चलिए फिर जिसमें हम पानी दे रहे हैं, थोड़ा थोड़ा हम पानी देंगे, और मसाला को जो किनारे किनारे सट गया है उस तक हम छोड़ाएंगे। चलिए फ्रेंड्स जितना हमको सुरवा चाहिए हम उतना हम पानी देंगे, ज़्यादा भी नहीं देंगे। तो देख सकते हैं हम पानी दे दिए हैं। तो फ्रेंड्स चलिए इसको हम खौलने देते हैं, उसके बाद में जो ये मेरा मछली फ्राई हुआ है इसको हम डालेंगे, और ये है गरम मसाला इसको हम देंगे। तो फ्रेंड्स चलिए हम खौलने देते हैं। ये मेरा मसाला खौल गया है, और ये है गरम मसाला इसको दे देते हैं। ओ और एक मेन चीज नहीं दी है, पता है क्या? तेज पत्ता, हम तेज पत्ता नहीं दिए हैं। देखिए ये है तेज पत्ता। चलिए इसको हम चला देते हैं, सारा मिक्स हो जाएगा, और इसको हम ढक देंगे अभी खौल जाएगा, उसके बाद हम डाल देंगे मछली। देख सकते हैं यहाँ पर मछली दो भाग में हम डिवाइड कर लिए, एक है ये ऐसे ही मतलब सूखा खाएंगे भात के साथ, और इसको हम इसका हम झोर बनाएंगे, इसको भी भात के साथ ही खाएंगे, इसको अलग से खाएंगे और इसको अलग से। तो देखिए फ्रेंड्स मेरा मसाला खौल गया है, अब हम डालेंगे ये है फ्राई किया हुआ मछली। चलिए इसको हम डाल देते हैं पीसेस करके। तो देखिए फ्रेंड्स सारा मछली हम डाल दिए हैं, और इसको हम ढक देंगे और खौल जाएगा, उसके बाद मेरा बन के तैयार। देखिए फ्रेंड्स ये हमारा मछली बन के तैयार हो गया, देख सकते हैं कितना मस्त लग रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारा मछली बन के तैयार हो गया है दोस्त। तो चलिए हम उतार देते हैं, देख सकते हैं ये है कितना मस्त बना है। देखिए ये मछली फ्राई रेसिपी। तो चलिए फ्रेंड्स हम इसको रख देते हैं, और आप लोग को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर
तो चलिए आप लोग बताइए मछली कैसा बना है। हाँ दोस्तों, तो आज बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिन के बाद मछली खा रहे हैं तो बहुत टेस्टी लग रहा है। और हम लोग देखिए तीन आदमी साथ में खा रहे हैं अलग अलग प्लेट में, तो सबसे हम पूछेंगे कैसा लग रहा है, हम तो बताए भी करेंगे अपने हिसाब से। और तो इन लोग से भी पूछेंगे, कैला से पूछेंगे, रजुआ से पूछेंगे। अरे रजुआ बता दो कैसा लग रहा है। बढ़िया लग रहा है ना। देखिए तो इन लोग भी बता रहा है अच्छा लग रहा है। कैला बता दो, दर्शक लोग को बता दो उधर अच्छा लग रहा है ना। मछली और भात गरम गरम, हम लोग बहुत दिन के बाद आज मछली भात खा रहे हैं, क्योंकि उधर काम करते थे तो बिजी रहते थे, इसलिए नहीं टाइम मिलता था लाने के। तो आज हम सोचे चलो ले आते हैं, तो वही मछली भात आज गरम गरम खा रहे हैं। बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। तो देखिए लास्ट वीडियो तक देते रहिए, तब तक हम लोग खाते हैं, तब तक के लिए इंतजार कीजिए, वीडियो के इंतजार देखिए।